तुलसी साहब की कामयाबी पर हम सब यहां पर आर्मोर यूनिट की जानिब से जश्न मना रहे हैं। बहुत ही खुशी और मसर्रत का मौका है क्योंकि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सारे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है। आप देखते हैं ऐवान के अंदर जब कभी भी खड़े होते हैं तो मुसलमानों की मजलूमों की आवाज बनकर एक ताकतवर आवाज बनकर वक्त के फिरौन से मुकाबला करते हैं। आज आप देखते हैं सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की निगाहें अगर कहीं थी तो वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट पर थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तवक्को कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे अल्लाह से कि हमको मालूम था कि सदर मजलिस ने जिस तरीके की मेहनत की, जिस तरीके से ऐवान के अंदर खड़े होकर मुसलमानों की मजलूमों की बेबाक नुमाइंदगी की, हमको भरोसा था अल्लाह से, अल्लाह की जात से उम्मीद थी कि सदर मजलिस 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल करने जा रहे थे। हमको उम्मीद थी उसके उसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से नतायज का ऐलान हुआ सारी दुनिया देखती रह गई कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 3,40,000 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। आज इस मौके पर हम सब आज इस मौके पर आर्मोर यूनिट की जानिब से यहां पर खुशी और मसर्रत का इजहार किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, नौजवानों में खुशी की लहर है और बुजुर्ग हजरात दुआएं दे रहे हैं क्योंकि ये वो शख्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर वक्त के फिरौन से मुकाबला करता है। चाहे वो कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही होता है कि गरीबों और मजलूमों की आवाज बनकर ऐवानों में लड़ा जाए। चाहे वो